हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर दीपिका अग्रवाल। हाउ आर यू चिल्ड्रन? आर यू फाइन? वेरी गुड। दिस इज योर राइटिंग बुक कैपिटल लेटर्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। Clockwise movements, page number 18 and 19. In previous video, I have taught you anti-clockwise movement, or you can say circle. Okay? Did you learn? Did you try how to make anti-clockwise movements or circle? Aapne practice ki? Yes. Very good, children. Keep it up. Look at this picture, children. This is the picture of tree and these are mushrooms. सबसे पहले आपको क्या करना है? Pencil से इन dots को trace करना है. Trace over the dotted lines and color the picture. पहले आपको pencil से इन dots को trace करना है और फिर क्या करना है? इन circles को color करना है. Multicolor भी कर सकते हैं. Different different color. Children, do you like colors? आपको color करना पसंद है ना? देखिए कितनी book अच्छी है ये. इसमें आपको सभी lines, curves, ये सब भी सीखने को मिलेगा और आप इसमें easily color भी कर सकते हैं. Do you have colors? Yes, very good. So लास्ट टाइम हमने क्या किया था? इस तरह से इसको अपनी पेंसिल को मूव किया था. बट इस बार हमें क्या करना है? हमें क्लॉकवाइज मूव करना है ऐसे. जैसे क्लॉक में नंबर बने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो हमारी जो घड़ी की सुई है वो इस तरह से चलती है, इस तरह से मूव करती है. ठीक है, ऐसे ही हमें इस बार अपनी पेंसिल को भी मूव करना है क्लॉकवाइज. ओके, आपको इन सभी सर्कल्स को ट्रेस करना है पेंसिल से और फिर इनमें सुंदर सुंदर कलर भी फिल करने, ट्री में भी और मशरूम में भी. सर्कल, ओके, और इस तरह से आपको इसे कलर भी करना है. Lightly, lightly, slowly, slowly. इस तरह से आपको इसमें कलर करना है. आप इसमें मल्टी कलर भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ग्रीन कलर किया है. फिर हम इसमें रेड कलर करेंगे और ब्लू, पिंक, ब्लैक, एनीथिंग यू वांट, जो भी कलर आपको पसंद हो आप वो सब कलर इसमें कर सकते हैं. क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर ट्री की पिक्चर नहीं है, ये बस आपको कलरिंग और सर्किल सिखाने के लिए है. ओके, लाइक दिस. ओके, यहां पर भी आपको ट्रेस करना है और यहां पर भी आप कलर कर सकते हैं. फर्स्ट पेज देन सेकंड पेज, ये भी आपको ऐसे ही ट्रेस एंड कॉपी करना है. इस तरह से आपको इसे अपनी पेंसिल को मूव करना है. कंप्लीट. ओके चिल्ड्रन, आई होप दैट यू विल डू. और डेली आपको कैपिटल लेटर्स, मैथ्स में काउंटिंग और हिंदी में वर्ण लर्न करनी है. तो ये वन पेज और ये सेकंड पेज आपको कंप्लीट करना है. अब हम नोटबुक में वर्क करेंगे.
रिटर्न वर्क करने के साथ साथ अगर हम लगातार रिपीट भी करते रहेंगे, सपोज अगर हम स्टैंडिंग लाइन बना रहे हैं तो हम लगातार बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लोपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और फिर सर्कल, कर्व, तो इससे हमें बहुत क्विकली लर्न हो जाता है। ठीक है बेटा, आई होप कि आप मैम की बात मानेंगे और अपना वर्क सिंसियरली करेंगे। डेली आपको कन्वर्सेशन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रिपीट करना है, एज हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, इन विच क्लास डू यू स्टडी, हाउ ओल्ड आर यू। बाय हार्ट अगर आप लर्न करेंगे देन यू बिकम गुड चिल्ड्रन। डेली डेली अपने सब्जेक्ट्स बाय हार्ट लर्न करने से आप क्या बन जाएंगे, अच्छे बच्चे, अच्छे स्टूडेंट्स, और अच्छे बच्चों को तो सभी प्यार करते हैं। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड आवर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। तो अब तक हमने क्या सीखा, स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्लोपिंग लाइंस, अगेन स्लोपिंग लाइंस, zigzag एंड स्ट्रेट लाइन, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एंड टूडेज क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड अगेन प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस करने से आप ये सब चीजें लाइंस बनाना, सर्कल्स बनाना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। So all the best children, have a nice day, bye bye.